मेरे स्पेशल गेस्ट जो है उनका नाम सुनते ही चेहरों पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सलीम अहमद खान आफरीदी। माशाल्लाह आज मेरे अब्बू याद आ गए। क्यों? वही पूरा नाम लेते थे। हम लोग आप लोगों के लिए बड़े ग्रेटफुल हैं क्योंकि आप लोगों ने ओन किया कराची को, और वो जो लैंग्वेज जो कराची की अवामी लैंग्वेज थी उसको आप लोगों ने पॉपुलर किया। और ये क्या, और ये क्या, और ये नौजवानी के इब्तदाई दौर में इलेक्ट्रिकल वर्क किया करता था। जो कॉमेडियंस होता है ना वो अपनी असली लाइफ में ना बड़े सीरियस लोग होते हैं, तो क्या ये बात सच है? चेहरे पे सजाए रखते हैं जो हंसी की किरण, ना जाने रूह में कितना शगाफ रखते हैं। असल में बड़ा संजीदा आदमी था बचपन से ही। अच्छा। मुझे हंसना पसंद था लेकिन हंसाने वाले बहुत कम थे। कैसे थे वैसे मोइन अख्तर, काम करने में या मिलने में कैसे थे वो? वो बहुत कैलकुलेटेड आदमी थे, वो बहुत मेहनत से काम करते थे। उन्होंने अपने काम में वेरिएशन पैदा की। मैंने फिर 10-12 साल उम्र में मोइन भाई से इतना करीब नहीं रहा, लेकिन आखिरी वक्तों में करीब हो गया। और मैं शायद ज़िंदगी में अगर किसी के इंतकाल पर रोया होगा तो वो मोइन अख्तर ही थे। अपने वालदैन के इंतकाल पे भी इतना नहीं रोया। मैंने जो आपका आज जो ये रूप देखा है और मेरा तो पूरा परसेप्शन बदल गया। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपने किसी को हैरतज़दा नहीं किया तो बेकार काहे के फनकार है। आप भी हमारा सरमाया है। हाँ जी, वो खुला नहीं हो रहा ये। अस्सलाम वालेकुम लालू खेत, FM 11 के साथ सलीम आफरीदी हाजिर खिदमत है और सलाम पेश करता है।